सुवर्ण नवरत्न से भी सुंदर इस महाराष्ट्र के काले पत्थरों पर बुद्धलिनी साकार हुई। सो लावणी का जो कुछ गाने, वो अम्बटगोड़पना या जो कुछ उसमें जो स्वर, जो ट्यूनिंग है, वो गाता सप्तशती से इंस्पायर्ड है। इतना हे चंड मुंड भंडासुर खंडिनी जगदम्बे उदंड दंड महिषासुर मर्दिनी दुर्गे शुंभ निशुंभ निर्दालिनी कालिके हे महाराष्ट्र धर्म रक्षिके तुर्जा भवानी एक वीरे ये सुदीन सुवेळ साधुन शिवरायाच आख्यान सांगतोय आई तू ऐकायला ये। जय शिवराय। वेलकम टू आवर चैनल शिवतेज प्रतिष्ठान कुमार प्रणाम। सो अगर शिव छत्रपति के पूर्व महाराष्ट्र जो था, मतलब छत्रपति श्री शिवाजी महाराज के जन्म के पूर्व का महाराष्ट्र कैसा होगा वो महाराष्ट्र जिसने इस पूरे हिंदुस्तान का प्रबोधन किया, कैसा होगा वो महाराष्ट्र जो संतों की, महंतों की भूमि, वीरों की भूमि माना जाता है, वो महाराष्ट्र कैसा होगा, वो महाराष्ट्र जहाँ संत ज्ञानेश्वर महाराज जिन्होंने इस पूरे जगत के सबसे बड़े वैष्णव संप्रदाय की नींव रखी, अर्थात वारकरी संप्रदाय के फाउंडर संत ज्ञानेश्वर महाराज ने जहाँ जिस महाराष्ट्र में जन्म लिया था, वो महाराष्ट्र कैसा होगा। तो संत तुकाराम महाराज की भूमि संत महाराष्ट्र कैसा होगा, जम्बू द्वीप भारत खंडे आर्यावर्ते भारत वर्षे, उसमें एक प्रदेश था महाराष्ट्र अर्थात दंडकारण्य। भारतवर्ष में जो पुरानी भारतवर्ष जो था, भारतवर्ष में जो महाराष्ट्र आज का जो करंट महाराष्ट्र है, उसका नाम था दंडकारण्य, मतलब मध्य प्रदेश गुजरात के नीचे का जो दक्षिण का भाग था, उसमें से नासिक साइड का, नासिक ये सब कुछ मिलाकर, मतलब आज का महाराष्ट्र कंक्लूजन में, तो उसे दंडकारण्य कहा जाता था। दंडकारण्य अर्थात क्या दंडकारण्य अर्थात इतना भीषण, डरावना, भयावह, दर्दनाक अरण्य, जंगल, बस जहाँ पे एक मानव नहीं, मानवीय वस्ती नहीं, मनुष्य नहीं था। अगर उत्तर भारत के मनुष्य को इस दंडकारण्य का सपना पड़ता है तो उस नींद से उठ जाता था, इतना डरावना। मतलब जिस अरण्य में सूर्य की किरणों का तक प्रवेश नहीं था, इतना भीषण, इतना डरावना, इतना दर्दनाक अरण्य अर्थात दंडकारण्य। इसका नाम ही इसलिए दंडकारण्य था। तो क्या हुआ दंडकारण्य का महाराष्ट्र में रूपांतर कैसा हुआ, तो चलिए जानते हैं। पॉइंट नंबर वन कि महाराष्ट्र कैसा हुआ, कि वह महाराष्ट्र की निर्मिति कैसी हुई। ओके, सो हुआ यू, अवध नगरी के राजा रानी अयोध्या नगरी के राजा रानी पिता का वचन पूर्ति के लिए, पिताजी के वचन पूर्ति के लिए अवधपुरी के राजा रानी दंडकारण्य के वनवास में आए। तो वनवास तो जाना था, प्रभु श्री रामचंद्र और माता सीता लक्ष्मण भैया दंडकारण्य में आए। सो दंडकारण्य में पहला पद स्पर्श या पहला पावन स्पर्श जिन्होंने रखा वो कौन था, प्रभु श्री राम। क्या ही बोलो, मैया सीता मैया लक्ष्मण भैया प्रभु श्री रामचंद्र दंडकारण्य में आते हैं। अरे क्या उपमा दूं इस महाराष्ट्र को, मैं क्या बोलू, क्या कहूँ इस महाराष्ट्र के बारे में, जिसका भूमि पूजन खुद मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री रामचंद्र ने किया हो। क्या बोले उस प्रदेश के बारे में जिसका भूमि पूजन खुद राम करते हो। पहला पद स्पर्श इस महाराष्ट्र को प्रभु श्री राम का हुआ। पश्चिम पर्वतों से जो बहती हुई जलधारा थी, पश्चिम पर्वतों से एक जलधारा बहा करती थी, वो थी, और उस नदी को किसी ने अब तक गौतमी गोदावरी नहीं कहा था। जलधारा बस आती थी, बस कोई मनुष्य नहीं था। प्रभु श्री राम जब पहली बार उस जलधारा को अपने हाथ में लेते हैं, उस जलधारा को श्री राम ने, मेरे प्रभु ने हाथ में लिया और अपने मुख से लगा कर पानी पिया, तो गोदावरी शर्मा गई। क्या दृश्य रहा होगा वो, कि खुद श्री राम पश्चिम पर्वतों से बहने वाली जलधारा को अपने हाथ में लेकर पानी पीते हैं, तो गौतमी गोदावरी सौभाग्यशाली मानने लगी। वो कहने लगी कि मेरे जीवन को अर्थ है। वो शर्मा गई कि प्रभु श्री राम ने मेरा पानी पिया, मुझे, मैं बहने वाली एक नदी नहीं तो गोदावरी हूँ। तब से इस गोदावरी की निर्मिति हुई। हुआ यू कि मैया सीता ने कुटिया बनाई, प्रदेश बना, मैया सीता मैया के बोल और चूड़ियों की खनखनाट से इस महाराष्ट्र की वास्तु शांति हुई। प्रभु श्री राम माता सीता लक्ष्मण भैया का यह वास्तव्य था, और अब तक इस अरण्य के पशु पक्षियों ने एक मनुष्य प्राणी भी होता है, यह तक इन्हें पता नहीं था, और इन्होंने पहला मनुष्य प्राणी देखा, वो थे प्रभु श्री राम। माता सीता ने पंचवटी सजाई
जो अरण्य अब तक डरावना दर्दनाक था, उसका रूपांतर अभी उसका रूपांतर तपोवन में हुआ। इस महाराष्ट्र की वास्तु शांति खुद माता सीता करती हो, प्रदेश कैसा होगा। श्री राम का वास्तव्य मर्यादा पुरुषोत्तम सूर्यवंशी प्रभु श्री राम का वास्तव्य यहाँ पे था। क्या चाहिए और इस भारत माता को, इस भूमि को क्या चाहिए था। सो श्री राम का वास्तव्य यहाँ पे है, इसलिए ऋषि मुनियों के आश्रम हुए। ऋषि मुनियों के आश्रम होने लगे, उन आश्रमों का रूपांतर ग्राम व्यवस्था में अर्थात गांवों में हुआ, गांवों से नगरों में हुआ। सो जो दंडकारण्य में एक मनुष्य नहीं था, आज वो नगरों में रूपांतर हो चुका था। सो नगर हुआ तो प्रजा आई, प्रजा राजा राजधानी सिंहासन का निर्माण इस महाराष्ट्र में हुआ। और ये महाराष्ट्र की निर्मिति बलाढ्य समृद्धशाली होने लगी। सुवर्ण नवरत्न से भी सुंदर इस महाराष्ट्र के काले पत्थरों पर बुद्धलेनी साकार हुई। और इस समय पे बुद्धलेनी जब साकार होती है, मतलब इतनी सुंदर थी, उसका वर्णन इतना सुंदर आता है कि काले पत्थरों पर नवरत्न भी एक क्षण कम पड़ जाएंगे, इतने सुंदर। इस समय पर महाराष्ट्र की जो राजधानी थी वो थी पैठण, और पैठण के सिंहासन पर अवराजित थे सम्राट शातवाहन। अत्यंत पराक्रमी, दान शौर्य, उनका अलौकिक पराक्रम और दान शौर्य के वजह से दरिद्रता ने महाराष्ट्र में घुटने टेक दिए थे। इतना पराक्रमी राजा सम्राट शातवाहन जो महाराष्ट्र के राजे थे, महाराष्ट्र के सम्राट पैठण राजधानी के, हुआ यूं कि मतलब सम्राट शातवाहन, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ध्यान से सुनना, इतने पराक्रमी और इतना अलौकिक प्रताप उनका था कि उन्होंने गोदावरी से पूछा, वो मराठी में है कि गोदावरी से पूछते हैं कि हे गोदावरी तुझा उगमापासून, गोदावरी तुझा उगमापासून तू पूर्व समुद्र मध्ये जाऊन मिळतेस, तुझा तरी एक तरी शातवाहन कुळासारखं कुळ आहे का, तुझा तरी एक तरी शातवाहन कुळासारखं कुळ आहे का। म्हणजे इसका अर्थ ऐसा होता है कि हे गोदावरी तू उगम से तू पूर्व समुद्र तक जाती है और तेरे किनारे पर एक भी मेरे जैसा राजा या मेरे जैसा कुल शातवाहन कुल है क्या। इतना पराक्रमी था ये सम्राट शातवाहन। का जो वर्णन आता है वो आता है कि मतलब सम्राट शातवाहन एक अत्यंत मजाकिया स्वभाव के खोड़कर, जिसे मराठी में कहा जाता है, उन्होंने एक ग्रंथ लिखा था गाथा सप्तशती। वो ग्रंथ गाथा सप्तशती महाराष्ट्र का एक फोक का डांस है लावणी। सो लावणी के जो कुछ गाने, वो अंबटगोड़पना या जो कुछ उसमें जो स्वर जो ट्यूनिंग है, वो गाथा सप्तशती से इंस्पायर्ड है। इतना पराक्रमी ये राजा था सम्राट शातवाहन। इतने पराक्रमी हो चुके थे कि महाराष्ट्र बलाढ्य समृद्ध वैभवशाली, एक क्षण पूरे विश्व को ईर्ष्या हो ऐसी महाराष्ट्र की ख्याति हुई थी। क्योंकि एक जैन पंडित आए थे प्रवासी बनकर महाराष्ट्र में, तो जैन पंडित आने के बाद उन्होंने एक श्लोक लिखा है, एक वर्णन किया, मैं आपको बताता हूँ कि ये महारट्टे लोग जो महाराष्ट्र में रहते थे, महारट्टी बोलते थे और इनको महारट्टे लोग कहा जाता था। क्योंकि महारट्टे लोग अर्थात क्या, महारट्टे लोग अत्यंत सहनशील घमंडी, वो जैन पंडित कहता है कि सहनशील ताकतवर काटक अर्थात सहनशील बहुत ही ताकतवर रंग से सावले, ओके महारट्टे जो थे वो रंग से सावले और घमंडी झगड़ालू ऐसे थे। और महारट्टों की भाषा थी दिल्हे घेतले अनले, दिल्हे घेतले ऐसे भाषा का प्रयोग इस प्रदेश के लोग करते थे, अर्थात मराठी अर्थात महारट्टी। सो हुआ यू सम्राट शातवाहन से लेकर, ओके लिसन केयरफुली, सम्राट शातवाहन से लेकर सम्राट मतलब देवगिरी की जो पैठण, ध्यान से सुना, सबसे पहले राजधानी जो थी महाराष्ट्र की वो थी पैठण, और पैठण से लेकर देवगिरी, देवगिरी का साम्राज्य, देवगिरी का किला अगर आपने देखा होगा, बहुत लोगों को पता होगा, देवगिरी अर्थात अजिंक्य, मतलब देवगिरी जैसा किला, देवगिरी जैसा साम्राज्य पूरे विश्व में नहीं था। इतनी अफाट संपत्ति, अवर्णनीय, क्या ही बोले। तो जो देवगिरी के राजे थे सम्राट महादेव राय यादव, यादव अर्थात कौन, यादव अर्थात चंद्रवंशी श्री कृष्ण के, श्री कृष्ण महाराज के कुल से बिलोंग करते हैं, मतलब
इन शॉर्ट क्या, तो श्री राम के, श्री कृष्ण के कुल के, आई एम सो सॉरी, ओके, श्री कृष्ण महाराज के कुल से यादव कुल अर्थात श्री कृष्ण महाराज का कुल अर्थात श्री कृष्णांचं कुल होते थे यादव अर्थात चंद्रवंशी, चंद्रवंशींचं राज्य होते इथे या महाराष्ट्रावर देवगिरीच्या साम्राज्यात. सो सम्राट महादेव राय यादव अर्थात महारुद्र, मतलब क्या ही बोले उनके बारे में, उन्होंने उनकी ख्याति, उनके वैभव, उनके पराक्रम, उनका अलौकिक प्रताप, इससे महाराष्ट्र की ख्याति पूरे विश्व में चली गई थी. मतलब चर्चाएं होती थी, जो कुछ विदेशी वगैरह प्रवासी आते थे उसका वर्णन किया करते थे कि मतलब महाराष्ट्र कैसा है, ये ऐसा ऐसा प्रदेश है हिंदुस्तान में, यहाँ पे बहुत अफाट संपत्ति. सो क्या ही बोले सम्राट महादेव राय यादव के बाद बहुत से राजे हुए. तो सम्राट महादेव राय यादव का एक राजव्रत था, एक राजव्रत उन्होंने लिया था. राजव्रत यानी क्या, उन्होंने एक राजव्रत लेके रखा था कि बाबा जो कोई मेरा प्रतिस्पर्धी है, मतलब जो कोई दुश्मन नहीं, दुश्मनी नहीं, जो कोई मेरा प्रतिस्पर्धी राजा राजा वगैरह होगा, उसके कुटुंब कबीले को, कुटुंब कबीला अर्थात उनके उनके जो घर में स्त्रियां, बच्चे या वृद्ध होंगे, उनको मेरी तरफ से कोई भी परेशानी या उन पर शस्त्र नहीं उठाया जाएगा. ऐसे महादेव राय यादव इतने महान और इतने विचारी स्वभाव, विचारी प्रकार के थे. हुआ यूं, महादेव राय यादव के बाद जो राजे बने, मतलब पूरे सम्राट शातावाहन, शातावाहन से लेकर सम्राट महादेव राय यादव या इनके तक आने तक महाराष्ट्र इतना बलाढ्य, इतना समृद्धशाली, इतनी संपत्ति है कि अगर एक इतिहासकार है, फॉरेन हिस्टोरियन, ही सेज कि बाबा मुझे इतनी संपत्ति पर विश्वास ही नहीं, इतनी संपत्ति हो भी सकती है, वो कहता है. मतलब इतनी बलाढ्य, इतना पराक्रमी, इतनी संपत्ति महाराष्ट्र में थी. महादेव राय यादव के बाद जो राजे बनते हैं देवगिरी के, सम्राट रामदेव राय यादव, क्या बोले इन राजे के बारे में, इनके राज्य में जो प्रजा थी वो अक्षरशः वो राम राज्य में रह रही थी. एक क्षण स्वर्ग को भी ईर्ष्या हो ऐसा राज्य राम राय देव यादव का था. राम राय देव यादव अर्थात भयानक पराक्रमी, प्रतापी, काय बोलावं त्यांच्या राज्याबद्दल, अक्षरशः असं म्हणतात की त्यांच्या राज्यात सोन्याचा धूर निघत होता. ते जेव्हा राज्य करत होते म्हणजे काय बोलावं, अक्षरशः सोन्याच्या रसाने त्याच्या भिंती सारवल्या जायच्या. सोन्याचा रस, सोन्याचा धूर, एवढं म्हणजे एवढी संपत्ती होती. गरिबी नाही, रयत, सर्वसामान्य जनता सुखात नांदत होती, सुखात. मतलब इतना सुख की रामराज्य, की अक्षरशः रामराज्य, रामदेव राय यादवांचं रामराज्यच ते. पण या रामराज्याला, या सुखाला कुणाची तरी नजर लागली, कपट का ग्रहण लगा, और ऐसा ग्रहण लगा जिस महाराष्ट्र में समृद्धि, ऐश्वर्य, वैभव रह रहे थे, जहाँ पे ऐश्वर्य का वास था वहाँ दरिद्र का वास आया. जलालुद्दीन खिलजी का जमाता अलाउद्दीन खिलजी नाम का राक्षस 8000 की फौज लेकर देवगिरी की तरफ बढ़ता है. 8000 की नहीं, अलाउद्दीन की हिम्मत की भी दाद देनी होगी, क्योंकि अलाउद्दीन नाम का ये शख्स बस 8000 की फौज लेकर देवगिरी जैसे बलाढ्य साम्राज्य को धड़क देता है. क्या ही बोले, मतलब कहा गया था हमारा सामर्थ्य. देवगिरी के सम्राट रामदेव राय यादव गाफिल थे, क्योंकि देवगिरी अर्थात अजिंक्य किला, देवगिरी को लेना अर्थात असंभव, जब तक फितूरी नहीं होती, जब तक गद्दारी नहीं होती. सम्राट को लगा कि किले पर मुबलक अनाज है तो किस बात की चिंता. और इस साम्राज्य के, मतलब देवगिरी साम्राज्य के जो युवराज शंकरदेव यादव और सेनापति, दोनों शंकरदेव यादव ही थे. शंकरदेव यादव कुछ कारणों से पूरी फौज लेकर बाहर गए थे, किले के बाहर, राजधानी के बाहर थे, और ये राक्षस देवगिरी की सीमा पर खड़ा था. तो रामदेव राय यादव चिंताग्रस्त थे कि आप क्या करें, इतना बलाढ्य, लूट होने लगी. 20 लाख की प्रजावस्ती जिस राजधानी में थी वह था देवगिरी. देवगिरी को जीतना अर्थात तकरीबन असंभव, मतलब जीत ही नहीं सकते तुम जब तक फितूरी नहीं हो. तो रामदेव राव यादव थोड़ी देर के लिए चिंताग्रस्त हुए थे, पर उन्हें जब पता लगा कि अनाज किले पर पूरा है और हम कम से कम 2-3 साल तक तो किला लड़ा ही सकते हैं, और जब फिर क्या हुआ, उन्हें लगा था सब अच्छा है, ये 8000 की फौज क्या ही कर लेगी. पर अलाउद्दीन बहुत ही होशियार, चालाक लोमड़ी निकला. इस चालाक आदमी ने किया यूं, अफवाहें उठाई कि ये 8000 की फौज तो बस ट्रेलर है भाई, बस नमूना है, और फौज दिल्ली से आ रही है, और राजधानी में फौज नहीं,
प्रजा लूट होने लगी, अपार संपत्ति न पता ही नहीं, बता भी नहीं सकते इतने प्रजाजन को उसने लूटा, गांव के गांव लूट दिए। क्या ही बताए उस बारे में, उस जो प्रसंग था उस बारे में। और सम्राट तो चिंताग्रस्त थे ही। इतने में अलाउद्दीन ने देवगिरी को घेरा डाला। घेरा डालने के बाद क्या, रामदेव राव यादव और चिंता में गए। और फिर क्या हुआ, उन्हें पता चला कि व्यापारियों ने अनाज की बोनियों के बदले नमक की बोनियां किले पर दाखिल की है। गद्दारी हुई, व्यापारियों ने खेल खेला, अलाउद्दीन का मनसूबा फतेह हुआ। मतलब अनाज की बोनियां में नमक निकला, अतः कहा है रामदेव राय यादव अत्यंत चिंताग्रस्त। और मुठा साम्राज्य का बोला वह शंकरदेव यादव वाले बाहर जिथे कुठे थे यात्रेला गेले होते असं म्हणतात, तिथून ते आले। आल्यानंतर त्यांना समजलं की अल्लाउद्दीन ने घेरा घातलाय, त्याची एवढी हिम्मत, काय बोलावं। त्याने अफवा उठवल्या की अजून फौज येते आहे। रामदेवराव यादव जास्तच घाबरले, काय करावं। शंकरदेव यादवांना सांगावा पाठवला की भांडं वाढू नको, आपण तह करतोय। शंकरदेवांनी ऐकलं नाही आणि चालून गेले। मात्र तिथे शंकरदेव यादवांचा पराभव झाला, त्यांना पळून जावं लागलं। अक्षरशः लिटरली मैं बताना चाहूँ ना तो 15 दिनों में देवगिरी को अलाउद्दीन ने लिया था। 15 दिनों में, बस 15 दिन। मतलब एवढे केवल दुर्भाग्य कि 15 दिनों में 8,000 की फौज देवगिरी जैसे साम्राज्य को धड़क मारती है और देवगिरी फतेह करती है। लज्जास्पद है, क्या ही बोले। तह करना पड़ा, संधि करनी पड़ी। संधि में अलाउद्दीन ने अपार संपत्ति की मांग की। सामने कोई विकल्प नहीं था, सम्राट रामदेव राव यादव ने कबूल किया। फाइन, ठीक है, क्योंकि प्रजा का रक्षण करना महत्वपूर्ण था, संपत्ति देने का कबूल किया। पर उतने में उस राक्षस ने एक अजीब मांग की। देवगिरी साम्राज्य की जो राजकन्या थी, अर्थात सम्राट रामदेव राव यादव की जो राजकन्या जो पुत्री थी, ज्येष्ठपल्ली अर्थात जेठाई, उस ज्येष्ठपल्ली को मांगा। और मतलब जहां पे इतने बड़े साम्राज्य के राजपुत्री को उसने इस तरह से मांगा, तो सर्व सामान्य जनता का क्या हाल होगा। अरे आप थोड़ा सा विचार कीजिए कि राजपुत्री को, राजकन्या को इतने, और राजकन्या भी ऐसी वैसी नहीं, देवगिरी की राजकन्या ज्येष्ठपल्ली को उसने भर दरबार में से मांगा उठाया। मतलब जहां पे राजपुत्र की ये हालत हुई, तो सर्वसामान्य जनता का क्या हुआ होगा, जनमानस का क्या हुआ होगा। यहाँ तक महाराष्ट्र की लक्ष्मी दिल्ली चली गई, क्या ही बोले। इतनी दरिद्रता, इतना दान शौर्य, मतलब जहाँ पे महादेव राव यादव ने, जहाँ पे शातावाहन ने, मतलब जिस महाराष्ट्र का भूमि पूजन श्री रामचंद्र ने किया और इस महाराष्ट्र पे राज्य चंद्रवंशी यादवों ने किया, उसमें इतनी दरिद्रता छा गई। काबुल कंधार से बंगाल तक, काश्मीर से कन्याकुमारी तक, अहद तंजावर से तहद पेशावर तक, पूरा हिंदुस्तान लाचार, क्या ही बोले। उसके बाद कम से कम थोड़े दिनों तक अलाउद्दीन दिल्ली चला गया और दक्षिण में सब शांत था, पर अत्याचार हो रहे थे, गुलामी हो रही थी, प्रजा के हाल हो रहे थे। फिर क्या, देवगिरी खंडनी दे रहा था दिल्ली को। खंडनी की मतलब जो संधि हुई थी उसके अनुसार एक फिक्स रकम होती है, वो दिल्ली भेजनी थी, तो भेजी जाती थी। उसके बाद शंकरदेव यादव मारे गए, सम्राट रामदेव राव यादव, इनका भी मतलब बहुत सारी चीज़ें हुई। और उसके बाद हुआ क्या, ये लगभग ही महाराष्ट्र पूरी तरह से लाचारी में गया। म्हणजे असं म्हणतात की अमृताची पैजा खेळणारी मराठी भाषा लाचारीत गेली होती। संपूर्ण जिथे बगल तिथं हाल अपेष्टा, जनमानसचा कोणताही विचार न करता फक्त आणि फक्त स्वतःचे डिझायर फुलफिल करण्यासाठी हे सुलतान लोकांचा वापर करत होते। ह्यांचे भांडणं ह्यांच्या सल्तनतीसाठी, पण लढायचे मराठे, एवढी ती लाचारी इथल्या मातीत। आणि ही सगळी लाचारी कशासाठी, पुढे बघूया। झालं असं, इन सब के बाद जो यादवों के जमाता थे, हरपाल देव जो थे वो यादवों के जमाता थे, और इस दक्षिण में मलिक काफुर
अलाउद्दीन का एक अत्यंत विश्वासु आदमी था, बहुत ही भरोसेमंद। मलिक काफूर को उसने दक्खन में अपॉइंट किया और उसे कहा कि दक्खन में सब ध्यान रखो। पर हुआ यूँ, दिल्ली में अलाउद्दीन की तबीयत खराब हो गई। तबीयत खराब होने के बाद मलिक काफूर को अलाउद्दीन ने दिल्ली बुला लिया। और जब वो दिल्ली जाता है तो उसने कुछ एक ऐसे एक फिक्स फौज दक्खन में रखी, देवगिरी में, और वो दिल्ली चला गया। वो दिल्ली जाने के बाद हरपाल देव यानी पुनः जी कई मलिक काफूर ने जो कोई फौज रखी थी उसे हरा कर त्याचा फरशा पाडला आणि महाराष्ट्र पुनश्च स्वतंत्र केला। पुनश्च स्वातंत्र्याचा सूर्य या महाराष्ट्र तो गवला। परत रयत कुठेतरी जरा रुळावर येत होतं, कुठेतरी रयत सुखात नांदत होती, तो वर अल्लाउद्दीन नाम का राक्षस जन्नत नसीन हुआ, अर्थात स्वर्गाला गेला, त्याचा महा मेला थोडक्यात। आणि त्यानंतर जेव्हा अल्लाउद्दीन मरतो, अल्लाउद्दीन मेल्यानंतर तर रान मोकळंच झालं, जरा कुठं म्हणजे संपूर्ण महाराष्ट्र अक्वायर करण्यात हरपाल देवांनी सुरू केलं। अक्षरशः त्यांनी जवळपास संपूर्ण महाराष्ट्र बऱ्यापैकी, जो का देवगिरीचा भाग होता तो देवगिरी पुन्हा स्वतंत्र केला पारतंत्र्यात, म्हणजे अल्लाउद्दीनच्या तावडीतून काढून घेऊन व्यवस्थितपणे त्यांनी देवगिरीवर परत राज्य चालू केलं। झालं असं, अल्लाउद्दीन दिल्लीत मेला, त्याच जन्नत नसीन हो गया। उसके बाद होता यूँ है कि दिल्ली में तख्त पर बैठने के लिए लड़ाइयाँ चालू होती है। जितने कुछ बच्चे थे उसके, जो कोई लोग थे उनमें झगड़े चालू हो गए। उसमें मलिक काफूर मारा गया, क्योंकि जो कुछ झगड़े थे उसमें मलिक काफूर मारा गया। अनिल जी रामदेव रावण की कन्या होती, अर्थात ज्येष्ठपल्ली पासून अल्लाउद्दीनला एक मुलगा झाला होता, तो ही अत मिला, वो भी इसमें मर गया। और उसके बाद, मतलब अल्लाउद्दीन के बाद जो दिल्ली का सुल्तान बनता है उसका नाम है मुबारक खान खिलजी। मुबारक खान खिलजी को जब ये पता लगता है कि देवगिरी के हरपाल देव ने देवगिरी को अपने, मतलब गद्दारी की बंड पुकारा जिसे कहा जाता है, और पुनश्च महाराष्ट्र अपने हाथों में लिया है, ये जब मुबारक खान खिलजी को समझता है तो उसके बाद मुबारक खान खिलजी ये इतना नीच था कि वो खुद देवगिरी पे आया। खुद मतलब अलाउद्दीन के बाद जो दिल्ली की सल्तनत के तख्त पर बैठा था वो खुद देवगिरी पे आता है और हरपाल देव के सामने, मतलब फौज वगैरह आती है सब कुछ। हरपाल देव को जब ये समझा कि मुबारक खान खिलजी नाम का राक्षस दक्खन में आ रहा है, महाराष्ट्र पर आ रहा है, उन्होंने लड़ाई की पूरी तैयारी की। उन्होंने लड़ाई की तिन्ही पराकाष्ठा के लिए, नवे तो लड़ाई की शिकस्त के लिए, बट नियति को कुछ और ही मंजूर था। हुआ यूँ, हरपाल देव, मतलब केवल, मैं कह रहा था ना, केवल दुर्दैव, महाराष्ट्र की दूसरी बार यहाँ पे हार हुई। ये जो इन्वेडर्स थे इनके सामने महाराष्ट्र दूसरी बार घुटनों पर बैठा गया और हरपाल देव हार गए। और उससे भी बदतर चीज़ यहाँ पे हुई कि हरपाल देव यादवों के जमाता सुल्तान के हाथों जिंदा मिल गए, अर्थात यादवान सा जावाई सुल्तानाच्या हाथी जिवंत पकड़ला गेला। काय बोलावं आता, सुल्तानाला खूप चीड आली होती की यांनी आमचा आदेश कसं काय डावलला, कसं काय महाराष्ट्र स्वतंत्र केला, कसं काय खिलजींच डॉमिनन्सी जो थी खिलजी की उसने उसको नामंजूर कैसे किया, म्हणजे आमचं वर्चस्व कसं काय तू नाकारलंस। सुलतान आपल्या गादीवर बसला होता, सुलतानाने हुकुम दिला की इस आदमी के, इस शख्सियत की खाल खींच कर देवगिरी के दरवाजे पर लटका दो। ध्यान से सुनना, इसकी खाल खींच कर देवगिरी के दरवाजे पर लटका दो। हा हुकुम देता त्याच्या नौकर चाकरांनी या हुकुमाची अंमलबजावणी केली, उसकी तालीम करी गई और यादवांचा जावाई, ज्या जावयाने देवगिरीच्या दरवाजावर आपल्या सासऱ्यांकडून, रामदेवराव यादवांकडून सीमांत पूजन, अर्थात सीमेवर जे पूजन केलं जातं त्या सीमंत पूजन स्वीकारलं होतं आपल्या सासऱ्यांकडून, त्याच सीमा दरवाजावर यादवांचा जावाई सोललेला बकऱ्यासारखं लटकावला होता, बकऱ्यासारखं लाल बुंध तडपत होता तो देह, मतलब उसकी खाल खींच कर बकरे जैसे देवगिरी के दरवाजे पर लटकाई गई थी। आप सोच सकते हो, यादवांचा जावाई त्याच जावया का, तर तू आमचं वर्चस्व कसं काय नाकारलंस, केवढी ती विटंबना, एखाद्या योद्ध्याची, एखाद्या राजाची एवढी विटंबना व्हावी, अकल्पनीय। मतलब आप सोचिए कि उनकी खाल खींच कर लाल बुंद देह तो तडपत होता यातनांनी, अक्षरशः म्हणजे विचार करा, एवढं अफाट, एवढं भयानक ऐश्वर्याधीन जे साम्राज्य होतं त्या साम्राज्याचा पाहुणा जावाई त्याला अक्षरशः
सोललेल्या बकऱ्यासारखं देवगिरीच्या दरवाजावर लटकवला गेलं होतं आणि त्या तडफत असलेला देह पाहून 300 वर्ष म्हणजे अक्षरशः 300 वर्ष हा महाराष्ट्र गुलामीत राहिला. पुन्हा कधीच कोणाची हिंमत नाही झाली की आपण बंड करावा आणि आपण आपलं स्वराज्य स्थापित करावं. केवळ अकल्पनीय. त्यानंतर झालं असं, खिलजी सल्तनत दिल्लीत, तुगलक सल्तनत आणि दख्खनात प्रस्थापित झाली ती बहमनी सल्तनत. बहमनी सल्तनतचं तख्त होतं, त्या तख्ताचं नाव होतं फिरोज आणि त्या तख्तावर बहमनी सुलतान बसलेला होता. बहमनी सुलतान हा फक्त आणि फक्त शराब शबाब याच्यातच बुडाला होता, त्याला दारू एवढंच माहिती होतं. त्याचं ना जनतेकडे लक्ष होतं ना रयतेकडे लक्ष होतं, त्याचं लक्ष फक्त आणि फक्त दारू त्याचे डिझायर्स वॉट एव्हर इट इज यातच तो बुडालेला होता. या बहमनी सल्तनत जी दारुल सल्तनत होती, दारुल सल्तनत अर्थात त्या एखाद्या सल्तनतची एखाद्या साम्राज्याची राजधानी, त्याला दारुल सल्तनत म्हणतात, दारुस सल्तनत. और दारुस सल्तनत ही अहसनाबाद, अहसनाबाद अर्थात गुलबर्गा, कलबर्गा गुलबर्गा जे आहे त्याला अहसनाबाद त्याने नाव दिलं होतं. त्यानंतर बहमनी सल्तनत सांभाळण्यासाठी त्याने 5 कमांडर 5 सुभेदार अपॉइंट केले होते. 5 सुभेदार म्हणजे या 5 सुभेदारांच्या अंतर्गत किंवा यांच्या माध्यम 5 सुभेदार उसने अपॉइंट केले थे. वो 5 सुभेदार थे फतेहउल्ला इमाद अहमद निजाम, फतेहउल्ला इमाद अहमद निजाम, कुली कुतुब, यूसुफ अदिल खान और 5वां था कासिम बेरिद. तो उन इस इन 5 सूबेदारों ने सुल्तान के साथ धोखा कर कर, अर्थात ये सुल्तान ऐसा भी उसका कोई ध्यान पूरे राज्य पर नहीं था, ये बहमनी सुल्तनत 5 किंगडम्स में इस्टेब्लिश हुई. इन 5 सूबेदारों ने अपनी 5 सल्तनतें बनाई, अर्थात उसका जो एक्सपांशन बोलिए या उसका एक अपडेटेड वर्जन जिसे कहा जाएगा, ओके मतलब बहमनी सल्तनत 5 किंगडम्स में इस्टेब्लिश हुई. फतेहउल्ला इमाद ने अलीजपुर को इमाद शाह, अलीजपुर को इमाद शाही अर्थात फतेहउल्ला इमाद उसके गद्दी पर बैठे, विजापुर को अली आदिल मतलब यूसुफ आदिल खान अर्थात आदिल शाह, गोवलकोंडा को कुतुब शाह, अहमदनगर को निज़ाम शाह और उसके बाद जो सल्तनत थी वो बिदर को बिदर शाह. मतलब 5 सल्तनतें, एक सल्तनत से 5 सल्तनतें इस्टेब्लिश हुई. और ये सल्तनतों का बस एक ही काम था, इनको मतलब आदिल शाह को अपना एरिया बढ़ाना है तो उसको मतलब कुतुब शाह को हराना है, निज़ाम शाह को आदिल शाह को हराना है. इस तरह से ये सब कुछ कर कर उन्हें अपनी सल्तनतें बढ़ानी थी, पर यूज़ मराठों का होता था, महारट्टों का होता था. मरते कौन? मराठे थे. ऐश कौन करते थे? सुल्तान. तो हुआ ये सब जब हुआ तो जो आदिल निज़ाम शाह और इमाद शाह थे वो ब्राह्मण थे, निज़ाम शाह और इमाद शाह ब्राह्मण थे, कन्वर्टेड, उनको कन्वर्ट किया गया था. उसके बाद आदिल शाह जो था, आदिल शाह तुर्कस्तान का था, कासिम बेरिद जॉर्जिया का था और जो कुतुब शाह था वो ईरान का था, निज़ाम शाह और इमाद शाह ये ब्राह्मण्स थे, इन्हें कन्वर्ट किया गया था. तो ये सब 5 सल्तनतें थी, इन 5 सल्तनतों को अपनी अपने सल्तनत बढ़ानी थी, पर यूज़ मराठों का होता था, यूज़ यहाँ के जनमानस का होता था. मरते कौन? मराठे थे. और इनकी सल्तनतें बढ़ती थी. हुआ यूँ कि हमारे इस पूरे देश में अहद तंजावर ते तहद पेशावर जिसे कहा जाता है, काबुल कंधार से बंगाल तक, कश्मीर से नीचे द्रविड़ तक अर्थात रामेश्वरम तक, मतलब विचार कीजिए कि पूरा भारत सुल्तानाधीन हुआ था इस पूरे भारतवर्ष में, और उसमें से महाराष्ट्र की मिट्टी में बस लाचारी आई थी, बस लाचारी, सिर्फ और सिर्फ इतनी लाचारी आई थी कि एक एक इंसान को भी नहीं लगा कि अपना स्वराज्य होना चाहिए, एक इंसान को भी नहीं लगा मरते हम है तो सल्तनत हमारी होनी चाहिए, करते हम है तो तख्त हमारा होना चाहिए, किसी को भी नहीं. म्हणजे लाचारी इथपर्यंत पसरली होती की अक्षरशः आम्ही वतनाच्या भिकार तुकड्यांसाठी, वतनाच्या भिकार तुकड्यासाठी सुलतानांच्या दरबारात सलवार घालून मुजरा करीत होतो. इथवर लाचारी पसरली होती. झालं असं, ही 5 सल्तनतें होती. मग दक्षिणेत एक हरिहर्रा आणि बुक्कारा या 2 मुलांनी या 2 लोकांनी एक विद्यारण्य नावाच्या संन्यासीची मदत घेऊन किंवा त्याच्या मदतीने विजयनगर साम्राज्य एस्टॅब्लिश केलं. तुंगभद्राच्या किनारी हे विजयनगर साम्राज्य अत्यंत अत्यंत ऐश्वर्यवान शहर होतं. धर्माचं न्यायाचं राज्य या राज्यात होतं, या साम्राज्यात होतं. हरिहर राय असतील, बुक्का राय, कृष्णदेव राय, अच्युत राय, एवढे महान
एवढे महान महान राजे इथे होणारे विजयनगर साम्राज्य एस्टॅब्लिश झाल्यानंतर या राज्यात हरिहर राय, बक्का राय, अच्युत राय, कृष्णदेव राय एवढे महान राजे या राज्यात झाले. पण झालं असं, या ज्या 5 सल्तनती होत्या, या 5 सल्तनती एकत्र आल्या. आदिलशहा, निजामशहा, कुतुबशहा, इमादशहा ही सगळे सल्तनती एकत्र आले. एकत्र येऊन यांनी ठरवलं की काही करून हे धर्माचं न्यायाचं राज्य नष्ट करायचं. आणि तेव्हा विजयनगरच्या साम्राज्याच्या सिंहासनावर आरूढ होते सम्राट रामराय. रामराय अर्थात अत्यंत पराक्रमी, अलौकिक पराक्रम त्यांचा होता, सगळ्यांना सर्वत्र त्यांचा भयाचा दणारा. बट झालं असं की 5 सल्तनती एकत्र आल्या. ज्या काही 4-5 सल्तनती त्या सल्तनती होत्या, ह्या सर्वजण एकत्र आले. एकत्र येऊन यांनी ठरवलं की रामरायांना काही करून डिस्ट्रॉय करायचं आणि कृष्णदेवर म्हणजे हे जे विजयनगर साम्राज्य आहे त्यांना डिस्ट्रॉय करायचं. झालं असं, फौज आली, आदिलशहाने फौज एकत्र केली. फौज एकत्र करून विजयनगर साम्राज्यावर चालून गेले. आक्रमण करण्यात आलं, काय बोलावं, जी कारणे रामदेव राय यादव, जी काही कारणे तीच कारणे यासाठी की अक्षरशः सम्राट रामराय हरले. भयानक पराभव झाला. अजून एक पराभव महाराष्ट्राच्या पदरी पडला. एक धर्माचं न्यायाचं राज्य होतं तेही पडलं. सम्राट रामराय हरले. हरले ते हरले, आदिलशहाच्या हाती जिवंत सापडले. जिवंत सापडल्यानंतर काय, राक्षस असतो. आदिलशहा गादीवर होता, त्याने सम्राट रामरायांचं मस्तक छाटलं, त्याचा शिरच्छेद केला. आमच्या राजांचा त्याने शिरच्छेद करून भालेच्या टोकावर ते मस्तक लावून संपूर्ण हिंदुस्थानात फिरवलं. त्या मस्तकाला भालेच्या टोकावर नाचवण्यात आलं. एवढी ती विटंबना. अरे ही विटंबना म्हणायची एखाद्या राजाची, एखाद्या योद्ध्याची एवढी? पराभव एकीकडे आणि विटंबना एकीकडे. एखाद्या राजाची एवढी विटंबना करावी, केवळ अकल्पनीय. एवढं करून सुद्धा त्याचं मन समाधान नाही झालं, उसका सॅटिस्फॅक्शन नाही हुआ. मतलब विचार कीजिए की हमारे राजा का, सम्राट रामराय, त्यांचं मस्तक छाटून भाले की नोक पर उस मस्तक को नचाया गया. ऐसे नचाया गया, इतना करके भी उसे सॅटिस्फॅक्शन ऐसा नाही मिळा. उसने किया यू, त्याने केलं असं, सम्राट रामरायांच्या मस्तक असं पोखरून काढलं. पोखरणं, उस त्याच्यात जे काही मांस होतं ते बाहेर काढलं पोखरून. व्हॉट एव्हर फ्लॅश वॉज प्रेझेंट इन दॅट द फेस, जो कुछ वो मांस फ्लॅश था उसे बाहेर निकाला, जेवढं काही मांस होतं. आणि ते मस्तक असं रिकामं केलं, हलकं केलं. एवढी ती विटंबना. मस्तक पोखरून काढून त्यातलं मांस बाहेर काढलं, त्यांचा मेंदू बाहेर काढला, उनका ब्रेन बाहेर निकाला और उस मस्तक को पूरी तरह से एम्प्टी किया. एम्प्टी करने के बाद उसने एक घान मोरीचा, मतलब एक गंदी नाली के मुँह के सामने, मतलब एक घान मोरीचा तोंडाशी, एक ऐसे कौशल्य से, म्हणजे एका घाण मोरीच्या तोंडाशी त्याने अशा कौशल्याने ते मस्तक फिट केलं की त्याच्या तोंडातून सगळं मलमूत्र सगळी घाण वाहावी. म्हणजे त्या मस्तकाला अशा पद्धतीने त्या नालीच्या तोंडाशी बसवण्यात आलं की त्यांच्या तोंडातून त्यांच्या तोंडाला असं आळ ठेवण्यात आलं आणि त्या तोंडातून जेव्हा जे काही ते नालीचं पाणी आहे ते पाणी बाहेर पडलं. एवढी ती विटंबना. का तर तू इथला राजा होतास. ही विटंबना पाहून पुन्हा कधी कोण आपलं स्वराज्य किंवा एक या एक स्वतंत्र राज्य निर्माण करण्याचा कोण प्रयत्नही करू नये, विचारही करू नये, एवढी विटंबना करण्यात आली. अरे सम्राट रामराय जो सिंहासनावर बसायचा, ज्याने रयतेला मदत केलं, ज्याने न्यायाचं धर्माचं राज्य केलं, त्या राजाच्या मस्तकाची एवढी विटंबना करावी. अरे हॅट, एवढी लाचारी. समग्र हिंदुस्थान अहद तंजावर ते तहद पेशावर, सिंधू नदीच्या उगमापासून कावेरी नदीच्या तीरापलीकडे पर्यंत संपूर्ण भारतवर्ष सुलतानाधीन झाला होता. एवढा बलाढ्य महाराष्ट्र तुर्की घोड्याच्या पायाशी आला. काय बोलावं, तुर्की घोडो के तलवी नीचे ये महाराष्ट्र आया. एवढी विटंबना झाली. 300 साल ये भारतवर्ष गुलामी के अंधेरे में था. 300 वर्ष संपूर्ण भारत गुलामीच्या अंधारात होता. सन 1600 मध्ये काय झालं, सन 1630 मध्ये काय झालं हे बघण्यासाठी पुढचा व्हिडिओ पहा. नेक्स्ट राज्य संपुष्टात आलं, तिथले राजेच राहिले नाहीत तर मग काय. रामरायांच्या या अवस्थेनंतर, रामरायांची जी ही अवस्था झाली, यानंतर तिन्ही सल्तनती ज्या काही, आदिलशहा अजून प्रबळ झाला, अजून सामर्थ्यशाली झाला, बलाढ्य झाला आणि त्याचं राज्य संपूर्ण महाराष्ट्रात पसरलं. विटंबना, रयतेचे हाल तर चालू होते. मावळ प्रांत असेल, संपूर्ण जे काही हा महाराष्ट्र होता, विजापूर त्याची राजधानी होती. विजापूरला, गोवळकोंडाला कुतुबशहा, अहमदनगरला निजामशहा, वरती मोगल, इंग्रज, पोर्तुगीज, डच,
हे सगळे तर लुटतच होते, त्याहूनही महत्त्वाचा रयतेचे हाल होत होते. रयतेला असा वाली नाही, नव्हे तर संपूर्ण भारताला असा एक राजा नाही अशी समजत झाली होती सगळ्यांची. आम्हीच इथले बादशहा, आम्हीच इथले मालिक आहोत असं त्यांना वाटत होतं. पण 300 वर्षांच्या गुलामीनंतर काहीतरी झालं. 1600 मध्ये शिवशंकराचा अंश अवतरला. ते ऐकण्यासाठी सबस्क्राईब आवर चॅनल फॉर द नेक्स्ट व्हिडिओ. आणि हा व्हिडिओ कसा वाटला हे नक्की सांगा.